हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं, मधुरेश जोशी जी एंजल ब्रोकिंग के और राकेश बंसल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। मधुरेश, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को? बड़ी गिरावट में क्या आपको लग रहा है खरीदारी के अच्छे मौके हैं? क्योंकि कुछ फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं, सीएलएसए कह रहा है गिरावट में एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई, रिलायंस, एचसीएल टेक, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स को खरीदारी करनी चाहिए। क्या आपको भी लगता है क्वालिटी दिग्गजों में बाइंग के अच्छे मौके मिल रहेंगे? मॉर्निंग हेमंत जी, आई थिंक अगर मार्केट्स यहाँ से अगर करेक्ट होता है तो मेरे ख्याल से आई थिंक बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ बनती है लार्ज कैप क्वालिटेटिव नेम्स में और मिड कैप्स में भी। आई थिंक मिड कैप्स में भी काफ़ी क्वालिटी है, लेकिन वहाँ पे आई थिंक थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा रहना पड़ता है। बट ऑन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स अगर मार्केट यहाँ से और करेक्ट होता है तो मेरे ख्याल से आई थिंक लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, चुनिंदा सीमेंट कंपनियाँ, चुनिंदा फार्मा कंपनियाँ, आई थिंक जो राह देख रहे थे इन्वेस्टर्स प्रॉब्ली फॉर अ करेक्शन टू कम थ्रू, आई थिंक ये बेहतरीन मौका हो सकता है फॉर देम टू प्रॉब्ली एंटर। सो आई थिंक वेट फॉर डिक्लाइंस ऑन द मार्केट टू हैपन। और एक स्टैगर्ड वे में अगर आप क्वालिटेटिव नेम्स खरीदते हैं लार्ज कैप बैंक, लार्ज कैप सीमेंट, लार्ज कैप फार्मा से, तो आई थिंक देयर इज गुड अमाउंट ऑफ मनी टू बी मेड ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years। तो चलिए गिरावट में अच्छे लार्ज कैप शेयरों में खरीदारी करो, ये बात सही है। देखिए इस समय आपको करेक्शन में दिग्गज शेयरों पर फोकस करना चाहिए। क्यों? पहला तो ये कि किसी को ये तो पता नहीं करेक्शन कब खत्म होगा, वो तो बाद में पीछे देखेंगे तो पता चलेगा कि अरे वो बॉटम बना था। तो जब आपको सामने गिरते हुए बाजार में खरीदारी करनी तो पहली बात तो सेफ लार्ज कैप है, दूसरी बात है कि गिरावट जो होगी मिड कैप में ज़्यादा होगी। एक तो मिड कैप में वैसे भी ज़्यादा होती है, दूसरे मिड कैप वैसे भी ज़्यादा बड़े हुए हैं, तो इसलिए बड़े शेयरों पर फोकस करें, निफ्टी के शेयरों पर फोकस करें, वहाँ करें खरीदारी। अब कौन से स्टॉक्स होंगे जहाँ आपको खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली भी, बताने के लिए दो और एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं। राकेश बंसल जुड़ेंगे हमारे साथ और उनसे पूछेंगे उनकी पिक्स। गौरव बिस्सा जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे भी लेंगे वायदा कारोबार की रणनीति इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त, संदीप वागले साहब, प्रकाश दीवान, राकेश बंसल, गौरव बिस्सा और मयूरेश जोशी। दमदार पैनल है, होना भी चाहिए। बाजार जिस तरह के हालात में आपको एक्सपर्ट्स की राय की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वायदा कारोबार के लिए हम रणनीति लेंगे गौरव से। बस गौरव माइकअप हो रहे हैं, हमसे कुछ सेकंड्स में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन उससे पहले राकेश हमारे साथ हैं, तो राकेश की पिक्स ले ली जाए। बिल्कुल राकेश जी, बताइए आपने क्या देखा है आज, कहाँ ट्रेडिंग के मौके हैं आपके लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मुझे लगता है मार्केट में शॉर्ट होके जाना चाहिए। एक बड़ी रैली देखने को मिली थी और कल पहली बार देखें तो एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी में तो टोटली क्रैक हो चुका है और निफ्टी में इमीडिएटली 8550 का एक सपोर्ट है जो मुझे लगता है टूट जाएगा। इस समय अगर किसी सेक्टर वाइज शॉर्ट होना चाहिए तो आईटी स्पेस के अंदर ओवरवेट होकर शॉर्ट होना चाहिए और यहाँ पर मुझे लगता है इन्फोसिस को बेच के चलना चाहिए 1069 के स्टॉप लॉस के साथ 970 के टारगेट के लिए। दूसरा एक सेल कॉल होगा अशोक लीलैंड पर। अशोक लीलैंड ने कल के सत्र में अनिल जी 80 रुपए की एक क्रिटिकल नेकलाइन तोड़ी है, उसके नीचे क्लोजिंग ली है। इन स्तरों पर उछाल पर अशोक लीलैंड को बेचने की राय रहेगी 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 67 रुपीज के टारगेट के लिए। और तीसरा कॉल होगा सेल कॉल इंडिया सीमेंट पर। अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट पहले से करेक्शन दिखा रहे थे और इंडिया सीमेंट ने कल पहली बार अपना एक क्रिटिकल सपोर्ट तोड़ा है, स्टॉक एक करेक्टिव मोड में एंटर करा है। इंडिया सीमेंट को बेचने की राय रहेगी 144.50 के स्टॉप लॉस के साथ 122 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो अशोक लेलैंड, इंफोसिस, इंडिया सीमेंट, तीन टॉप पिक्स, तीनों मंदी की कॉल्स। वागले साहब ने भी अशोक लेलैंड में बिकवाली करने की राय दी थी। ध्यान रखिए कॉमन स्टॉक्स हैं तो यहाँ पर ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। जब से हिंदुजा फाउंड्रीज के साथ विलय की खबरें आई सामने तब से हम देख रहे हैं ये शेयर अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन खरीदारी कहाँ करनी चाहिए, प्रकाश दीवान जी से बेहतर और कौन बता सकता है? सर ये बताइए कोई स्टॉक जो आपको लगता हो लार्ज कैप में बाइंग करें अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा इस सीरीज में या आगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जब बाइंग की बात हो रही थी तो मैंने अनिल जी की सलाह बिल्कुल मान रहा हूँ कि अभी मिड कैप से दूर रहे, तो मैंने कहा इसलिए लार्ज कैप पे थोड़ा फोकस करें और वो भी एक शॉर्ट टर्म के लिए किसी को चाहिए तो ये एक बहुत बढ़िया पोजिशनल कॉल बन सक रहा है। मतलब इसको पोजिशनल कहेंगे या नहीं, बट हो सकता है नवम्बर दिसंबर तक पी एन बी चुना है मैंने और इसके कुछ ट्रिगर्स इसमें बहुत मेजर आ रहे हैं। एक तो
कि बैंकिंग में आज आपको थोड़ी जो कल से जो गिरावट आई है, अब देखिए पीएनबी में इतना कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया जितना आईसीआईसीआई और दूसरी बैंकों में आया, क्योंकि इसमें बढ़त भी वैसी नहीं थी। ठीक बात है। तो इसमें से एग्जिट से इतने थे नहीं ना, इसमें ओपन इंटरेस्ट कोई बहुत खास पहले नीचे की तरफ भी शॉर्ट बिल्डअप या ऐसा कुछ हमने देखा हो। दूसरा जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो ड्यू है आईपीओ, उसमें जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी इनके लिए हाउसिंग फाइनेंस के, अभी आज देखिए आईप्रू का जब इशू आना शुरू हुआ तो आईसीआईसीआई बैंक के चाल आप देखिए, और जब फाइनली इशू हो गया तो वो कंज्यूमेट हो गया और एक सेल ऑन इवेंट जो बोलते हैं वो शुरू हो गया। पीएनबी के लिए एक सब्सिडरी पीएनबी हाउसिंग है, ये भी अच्छा खासा पैसा इनको जुटा के देगी, और पीएनबी की जो प्रोविजनिंग है उसका बहुत सारा वजन इस पर्टिकुलर इनफ्लो से घट जाएगा। और अगर प्रोविजनिंग घटता है तो पीएनबी बिकम्स मच मोर लीनर एंड हेल्दियर एज कम्पेयर टू आपके काफी बड़े पीएसयू बैंक्स। तो मुझे लग रहा है कि पीएनबी में वैल्यू अभी भी है, और जो रीस्ट्रक्चरिंग जहां सबसे असरकारक रही है, जो अच्छी बैंक्स थी वहां पे तो क्लीनअप का कोई बहुत इंपैक्ट नहीं होता है, जो नई अच्छी बैंक्स थी वहां पे क्लीनअप का असर ज्यादा रहता है। तो इस टाइप की बैंक्स में री रेटिंग अब थोड़ा सा ड्यू है, 180-185 का टारगेट लेके भी अगर चले तो दिसंबर तक पीएनबी में हासिल हो सकता है। और एक लास्ट ये बोलना चाहूंगा, जितने शेयर होल्डर्स पीएनबी के हैं उनको शायद हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में एलिजिबिलिटी भी आ जाएगी। तो कुछ नहीं तो टोकन बेसिस पे आप 10-10 शेयर भी लेके रखेंगे तो अपने जो जो डीमैट अकाउंट है तो वहां भी आपको एक फेवरेबल वो मूव मिल जाएगा। टोकन धीरे धीरे लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो टोकन नहीं लेना है, एक साथ लेना है, तो एक साथ वाला लेवल कौन सा होगा, जहां सारा जितना लेना सब ले लीजिए। देखिए इसमें ऐसा है कि अभी भी इस लेवल पे जो मैं बोल रहा हूँ, और आज शायद आपको बहुत बढ़िया मौका मिलेगा, इससे नीचे अगर आता है तो थोड़े देर के लिए टेम्पररी आएगा, पर जो मूव है हम देख रहे हैं यहाँ से 180-185 का लीजिए, तो अपसाइड तो बहुत ज्यादा है। इट्स अ सिग्निफिकेंट मूव फ्रॉम 140 लेवल्स जो मेरे ख्याल से कल के आसपास जो था, तो अच्छा खासा मूव है, आज भी ले सकते हैं। मार्केट खुलिए, एक घंटे वेट करिए, जो गिरावट आनी है अब्सॉर्ब हो जाने दीजिए और फिर ले लीजिए। और अगर उर्जित पटेल जी कोई एक सरप्राइज 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट दे दें तो फिर तो ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। केवल दो ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, देखिए आज का और सोमवार का, उसके बाद 11 बजे मंगलवार को 4 तारीख को पॉलिसी है। तो चलिए पॉलिसी से पहले खरीदारी करने का मौका बैंकिंग शेयर देंगे, अब किस लेवल पर आपको लेना है वही देखिएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल कौन सा होगा जहां मजबूत सपोर्ट है वायदा कारोबार के लिहाज से सीरीज की शुरुआत में, और पॉलिसी के पहले खरीदारी का मौका किस लेवल पर बनेगा ये पूछेंगे हम गौरव बिस्सा से इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, मयूरेश जोशी, गौरव बिस्सा, राकेश मंथन, संदीप वागले और प्रकाश दीवान। चलिए जैसा कि ब्रेक से पहले हमने कहा था वायदा कारोबार के देंगे आपको रणनीति, गौरव हमारे साथ है। गौरव पहले तो बताएं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या राय है आपकी और कहां आपको मजबूत सपोर्ट दिखते हैं। गुड मॉर्निंग, अगर बात की जाए निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड की अगर, तो मैं कहूंगा कि आइडियली थोड़ा इंतजार करना चाहिए, रहती मार्केट से ओपन स्टेबिलिटी आती है वहाँ पे अगर आप खरीदी आप इक्वली करते हैं तो वो आइडियली सेफ होता है। और रही बात सपोर्ट्स की, तो मैं ये कहूँगा निफ्टी के लिए 8500 है वो इमीडिएट सपोर्ट है। अगर आप ऑप्शंस का डाटा अगर देखेंगे, ये सीरीज की बात नहीं करूँ मैं, पिछले 3-4 महीने की, तो 8500 के पुट ऑप्शन में काफ़ी अच्छी सेलिंग हुआ करती थी, तब हम अराउंड अबाउट 8580-8600 करीब ट्रेड करते थे, 2-3 बार हमने वहाँ से उछाल भी मारी है, तो वो लिहाज से 8500 जो है वो एक इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। एंड सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी, अगर आप जुलाई सीरीज का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 19,000 के कॉल ऑप्शन में काफ़ी सेलिंग हुआ करती थी, उस वजह से हमने 3-4 बार कोशिश की 19,000 पार करने की लेकिन नहीं कर पाए। तो फुल जुलाई मंथ जो है हमने जुलाई से अगस्त तक के आप अगर देखेंगे तो उसमें अच्छे खासा एक सेलिंग देखने मिली 19,000 को, वो पार किया तो हमने एक क्विक 700-800 पॉइंट का मूवमेंट देखने मिला, तो वो जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है। तो बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट है 19,000 के आसपास है, तो अगर 19,000 के आसपास आता है तो मेरे हिसाब से एक ट्रेडिंग बाय बनता है, 100-125 या 150 रुपये के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं, या आप एटलीस्ट सेफ साइड के लिए ऑप्शंस के लिए बाय कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के कॉल ऑप्शंस। निफ्टी नियर 8500-8540 और बैंक निफ्टी अराउंड 19,000 के आसपास।
ओके, तो यहाँ से करीब 300 पॉइंट की और गिरावट देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में, तो वो अच्छा मौका होगा खरीदारी करने का। लेकिन अगर आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी को और घबरा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए कल 8590 के आसपास निफ्टी ने समाप्ति दी थी और 8594 का आपको भाव दिखेगा। ये जो भाव आप देख रहे हैं 50 पॉइंट नीचे, इससे घबराने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ कि अक्टूबर सीरीज हिस्टोरिकली कैसी रही है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ अक्टूबर सीरीज अच्छी रही है मार्केट्स के लिए। और ये जो सीरीज है आप देखिए, आप खुद ही कह रहे थे कि 0.88 पर जो ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो आ गया है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, अच्छा है बाउंस के लिए। एक्चुअली हम याद हो तो हम सितंबर सीरीज की शुरुआत में एक बात कर रहे थे कि सितंबर सीरीज बहुत भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट पे शुरू हुई है, और इसका मतलब ये कि दोनों तरह के ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस है, तभी अगले महीने के लिए पोजीशन इतनी आगे लेकर जा रहे हैं, और दोनों तरह के ट्रेडर्स को मौका मिला है। अब ये अलग बात है कि मंदी करने वालों को आखिरी दिन तक इंतजार करना पड़ा, तो अब जहाँ अक्टूबर की बात है, अक्टूबर बहुत लाइट नोट पर है, कंपैरेटिवली लाइट नोट पर होने में एडवांटेज बुल्स को है, है ना, क्योंकि क्या होता है गिरावट के लिए डर चाहिए, तेजी करने के लिए पैसा चाहिए, तो सेंटिमेंट खराब होने से गिरावट हो जाती है, उसके लिए पैसे की जरूरत ज्यादा नहीं होती क्योंकि खुद तेजी करने वाले भी अपनी पोजीशन छोड़ते हैं, जो कल हमने देखा। तो अब जब हम अक्टूबर सीरीज हिस्टोरिकली मजबूत रहती है, अच्छे खासे कम ओपन इंटरेस्ट के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, पुट कॉल रेशियो 0.88 पर थोड़ा और गिर जाए, तो मुझे लगता है कि ये सीरीज आपको इस बात से मैं जरूर प्रकाश से भी पूरी तरह से सहमत हूं कि एक मौका देने वाली है, और वो मौका लाइफ टाइम तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ये जरूर बोलूंगा कि एक ऐसा मौका होगा जिसे लोग याद रखेंगे। तो ये महीना होगा जब आपको कहीं ना कहीं कभी न कभी किसी न किसी लेवल पर बड़ा पैसा मार्केट में डालना है। चलिए, तो ये तो बात हुई अक्टूबर सीरीज की, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे और प्रकाश से जानेंगे। आप देखिए जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, यशवंत सिन्हा कह रहे हैं वो सरप्राइज हैं कि कल मार्केट ने एक नेगेटिव रिएक्शन दिखाया है, कारण के समय तो पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला था। करेंसी मार्केट की ओपनिंग आज अनिल फिर इम्पॉर्टेंट होगी कि कल की गिरावट के बाद, नीचा रिएक्शन के बाद आज करेंसी मार्केट क्या सुधरता है। अमिताभ कांत भी कल देखिए अनिल कह रहे थे कि बाजार को तो पॉजिटिव लेना चाहिए, टेररिस्ट का खात्मा हो रहा है तो ये तो अच्छा है, इकोनॉमिक स्थितियाँ अच्छी बनती हुई नजर आएंगी। चलिए इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रकाश दीवान जी हमारे साथ बने हुए हैं, संदीप वागले साहब, गौरव बिस्सा, राकेश बंसल, मयूरेश जोशी, एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और लेकर आएंगे हम पहला सौदा रहेगी करेंसी मार्केट पर भी नजर। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी और कल की तेज गिरावट के बाद आज की ओपनिंग होगी बेहद अहम। कैसी शुरुआत करते हैं, क्या कुछ थोड़ी रिकवरी के संकेत आते हैं या फिर ग्लोबल मार्केट की कमजोरी आज भी मूड बिगाड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ से खबरें बुरी नहीं है अब, लेकिन ग्लोबल मार्केट बेहद ढील है, 1-2% तक की कमजोरी आपको, 1.5% तो कम से कम आप मान ही सकते हैं। बड़े बाजार जो हांगकॉन्ग है, निकेई है, ये तमाम बाजार बड़े कमजोर होते दिख रहे हैं। अमेरिका में 200 पॉइंट की गिरावट के बाद ये एक बड़ा संकेत आपके लिए आज सुबह सुबह। अच्छा, एसजीएक्स निफ्टी अब 8594 तो दिखा रहा है, लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए, आपके लिए सीरीज की शुरुआत में प्रीमियम है लगभग 47 पॉइंट की, तो इसका मतलब ये कि 8550 के आसपास आप करेंगे शुरुआत। 8550 जो बड़ा अहम लेवल है, अहम क्यों है, कल हमने 8558 का लो बनाया और वहाँ से हमने एक रिकवरी कह सकते हैं या कि यूँ कह दें कि बहुत नीचे बंद नहीं हुए, तो वो लेवल अहमियत रखेगा। अब उससे पहले आपके लिए सबसे अहमियत वाला पॉइंट बता दो, और वो है रुपए का 6684। आपको याद होगा ना कल सुबह 9 बजे इसी वक्त हम रुपए पे शुरुआत करते हुए दिखे, 6644 पे कह रहे थे कि 2 पैसे की मजबूती के साथ रुपया खुला, लेकिन वहाँ से जो रुपया कमज़ोर हुआ 6685 के आसपास जाकर बंद हुआ। लेकिन एक अच्छी बात बता दो रुपये में, ये सब होने के बावजूद 67 का लेवल तोड़कर बंद नहीं हुआ, तो करेंसी कमज़ोर हुई है, एकदम टूटी नहीं। चलिए पहला संकेत हम करेंसी मार्केट से लेंगे, क्या वहाँ पर कोई रिकवरी के संकेत आते हैं। इससे पहले निफ्टी आपके लिए इस वक्त 52 अंक ऊपर दिख रहा है, निफ्टी 25 अंक नीचे दिख रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग डायरेक्शन में। स्टॉक्स कौन सेक्शन में है, इन्फोसिस 8% ऊपर, अल्ट्राटेक 3% मजबूत। कमजोर शेयरों की लिस्ट भी देख लें एक बार, डॉक्टर रेड्डीज 4% नीचे, आइडिया 2% नीचे इस वक्त आपको दिखेगा, सिप्ला में 3% के आसपास का नुकसान। ये है कुछ स्टॉक्स कमजोरी की तरफ, तो ये थोड़े से लेवल्स हैं जो सेटल होंगे, लेकिन जो सेटल और सही लेवल्स हैं, एक्चुअल लेवल्स हैं, वो है करेंसी मार्केट के। तो देख लेते हैं
6685 के मुकाबले में रुपए ने आज कहाँ शुरुआत की है, अब से कुछ ही सेकंड में देखिए, ओ रुपए में कोई बदलाव नहीं, वेट एंड वॉच वाला मामला है हेमंत। अब ये समझना पड़ेगा कि करेंसी मार्केट हमारे संकेतों का इंतजार कर रहा है या हम करेंसी मार्केट के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। ब्रेक्जिट जो 3 महीने पहले हुआ था उस दिन इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, कल एक्चुअली नीजक रिएक्शन ज्यादा था, 38 पैसे तो कल हम कमजोरी के साथ बंद हुए हैं करेंसी मार्केट में, तो बड़ी कमजोरी कल वहां पर हो चुकी है, 40 कल कुछ बड़े अच्छे ना इन्वेस्टर्स भी इक्विटी मार्केट में भी कह रहे हैं कि बड़ी कमजोरी इक्विटी मार्केट में भी कल हो चुकी है। आप जैसे कह रहे थे, देखिए DIS की तरफ से इतने बड़े कोई फिगर्स खराब नहीं है बल्कि अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल नंबर तो अच्छे हैं, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला काम तमाम हमारे ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स कर रहे हैं, तमाम HNI इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, और करेंसी मार्केट भी कह रहा है कि कमजोरी नहीं है, भले ही मजबूती ना हो। तो देखते दिक्कत एक ही है, देखना ये कि और कितनी पोजिशन तेजी की कम होना बाकी है लोगों की, उसके हिसाब से फिर आगे का मूड बनेगा बाजार किस तरह का रहता है। स्पीच राकेश बंसल जी की हम पिक्स ले चुके हैं, राकेश जी ने तीनों सेल के को लिया, इंडिया सीमेंट, अशोक लेन, गौरव की बची है, तो गौरव से पूछ लेते हैं उन्होंने आज कहां देखे हैं ट्रेडिंग के मौके, बताएं गौरव। बाई में मैं TCS को बाय करने की सलाह दूंगा, मैं फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो एक 2400 लेवल से थोड़ी बहुत बाइंग ही इमर्ज हो रही है, सस्टेन हो रहा है लेवल्स, मुझे लगता है ये आपको एक बार 2500 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं, 2490 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं, 2450 का छोटा स्टॉप लॉस होगा। विप्रो कंसिस्टेंट उसमें शॉर्ट्स बने थे, अब उसमें रेंज के बाद फिर एक ब्रेकडाउन हुआ है, कल थोड़े बहुत और शॉर्ट्स बने हैं, प्रेशर आया है, तो अगर ये करंट लेवल सस्टेन नहीं कर पाता तो आपको यहाँ से और 20 रुपये लुढ़कते हुए देखने मिल सकते हैं, तो 460 का इसमें टारगेट होगा और 42 का स्टॉप लॉस होगा। लुपिन में एक अच्छा ब्रेकडाउन है, शॉर्ट्स बने हैं कल, 1440 का छोटा स्टॉप टारगेट होगा और 1495 का छोटा स्टॉप लॉस, उसको सेल कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये राय ल्यूपिन पर और विप्रो पर और TCS पर निकल कर आ रही है, लेकिन मयूरेश आपसे राय लेना चाहता हूँ, ICICI प्रू इंश्योरेंस का जो IPO का लिस्ट हुआ, लिस्टिंग के दिन देखिए 10% नीचे जाकर समाप्ति हुई, 344 का इशू प्राइस था, 10% नीचे खरीदेंगे या फिर आपको लगता है और नीचे मिलेगा तब लेंगे, क्या राय रखते हैं आप इस पर? नहीं हेमंत जी, आई थिंक डायनामिक्स तो कुछ बुरे नहीं है, अगर हम कोई भी रेशियोज देखें, परसिस्टेंसी देखिए, सॉल्वेंसी रेशियो देखिए, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, न्यू नेट बिजनेस प्रीमियम मार्जिन्स भी अगर आप देखते हैं तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है फ्रॉम 5.7 to 8%, एंड न्यू बिजनेस प्रीमियम इज ऑल्सो इंक्रीज ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस 15 से 16 तक ऑन 52.5% अराउंड 412 करोड़ के आसपास। हालांकि दिक्कत हुई थी, आई थिंक एट द अपर एंड ऑफ द बैंड, आई थिंक थोड़े एक्सपेंसिव लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था कंपेयर टू एम्बेडेड वैल्यू, और कहीं ना कहीं आई थिंक आई विल स्टिल वेट फॉर सम काइंड ऑफ क्लैरिटी टू हैपन इन टर्म्स ऑफ देयर नॉन यूलिप प्रोडक्ट सेल्स, और कैसे आई थिंक कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी में ये नंबर्स पेज करते हैं। ऑन द फ्लिप साइड मुझे लगता है आई थिंक जैसे प्रकाश भी बात कर रहे थे फॉर द बैंकिंग स्पेस एज अ होल, ICICI बैंक या लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स सीम टू बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट चॉइस अगर डिक्लाइंस होते हैं, क्योंकि आई थिंक जितनी हमने गिरावट देखी है दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द एसेट क्वालिटी इश्यूज, और कहीं ना कहीं आई थिंक ये बॉटम आउट हो जाएंगे इन द नेक्स्ट 2 to 3 quarters, तो FY18 के जो नंबर्स आएंगे इन टर्म्स ऑफ बोथ एसेट क्वालिटी इंप्रूविंग, क्रेडिट कॉस्ट कमिंग डाउन, इंटरेस्ट रेट रिवर्सल्स का आई थिंक जो एक मामला था विच हैड क्रिएटेड प्रेशर ऑन NIMS, इवन दैट विल रिवर्स, तो मेरे ख्याल से आई थिंक गुड अमाउंट ऑफ क्रेडिट ग्रोथ कमिंग थ्रू स्पेसिफिकली रिटेल साइड पे, एंड रिवर्सल्स विच विल अगेन एब्सेंस ऑफ रिवर्सल्स विच विल प्रॉब्ली गिव राइज टू NIMS फ्रॉम 3.2 to 2.25 to 3.3, तो मुझे लगता है ICICI बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है लोअर लेवल्स। ओके तो ये राय है आपके लिए इन बैंकिंग शेयरों पर, तो आज देखते हैं कहाँ एक्शन बैंकिंग शेयरों में दिखता है, फिलहाल तो कोई बड़ा एक्शन नहीं, 23 अंक नीचे दिख रहा है सेंसेक्स, 13 अंक नीचे निफ्टी दिख रहा है, तो कोई ऐसी बड़ी उतार चढ़ाव वाला मामला तो दिख नहीं रहा है। एक स्टॉक जो शायद कमज़ोर होना चाहिए उस पर नज़र डाल लें, एल्केम लैब, यहाँ पर देखते हैं किस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो इनके दमन प्लांट पर अलर्ट आया है उसका क्या कोई असर दिख रहा है क्या एल्केम लैब पे? स्टॉक में 4.5% की कमजोरी, कमजोर, अच्छा अब रिकवर होने की कोशिश तो कर रहा है, चलिए एल्केम लैब। राकेश चार्ट्स देखकर बताएं इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, जो खबर आई है USFD की तरफ से वो नेगेटिव है, तो कमजोर खुले तो क्या कहीं खरीदना चाहिए या फिर फिलहाल इंतजार करें? अनिल जी मेरा ऐसा मानना है इंतजार करना चाहिए, स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई है, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ओवरबॉट है, कल की क्लोजिंग 1812 की है, 1805 के नीचे स्टॉक शॉर्ट टर्म करेक्टिव मोड में जाएगा और करेक्शन के अंदर स्टॉक
1740-1745 के लेवल्स दिखा सकता है। किसी ने अगर निचले स्तरों पर लिया है तो ऊपर में मुनाफा बांधने की सोचें, नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना उचित होगा। ऑलराइट, तो नई खरीदारी के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। बागले साहब, आप टोरेंट पावर, IDFC बैंक और DCB के चार्ट देखकर बताइए ये कैसे लगते हैं, क्योंकि ये तीनों ही शेयर आज से FNO में शामिल हो रहे हैं। जब तक आप इनके चार्ट देखिए तब तक मैं पूछता हूँ गौरव बिस्सा से उनकी IDFC पर ऑप्शंस में क्या रणनीति है। गौरव बताइए। देखिए, पिछले 2 या 3 दिनों में बहुत सिग्निफिकेंट OI बिल्डअप हुआ है IDFC में। आप अगर देखेंगे 60-65 कॉल ऑप्शन जो अभी एक्सपायर हो चुके हैं उसमें एक अच्छी खासी बाइंग हुई थी, कल वो लेवल सस्टेन भी हुए हैं और फ्रेश बाइंग हुई थी अक्टूबर सीरीज के लिए भी। तो मुझे लगता है अगर 65 का लेवल सस्टेन अगर हो जाता है तो एक बार आपको 3 से 4 दिनों के अंदर फिर से आपको 70-71 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो वो लिहाज से अगर 75 का कॉल ऑप्शन अगर आपको 1 रुपया 1 रुपया 10 रुपये के आसपास, अगर 70 का कॉल ऑप्शन आपको 1-10 रुपये का मिलता है, 1.1 तक मिलता है, तो 50% के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है ये डबल या ट्रिपल हो जाएगा। IDFC और IDFC बैंक जब ये डीमर्ज हुए थे तब करीब 150 रुपये के आसपास का भाव इनका होता था। अब आप देखिए काफ़ी दिनों के बाद दोनों स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, जोड़कर उस भाव के आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं। अब IDFC बैंक FNO में शामिल हो रहा है आज से, और टोरेंट पावर और DCB बैंक भी शामिल हो रहा है। इन तीनों में अगर एक शेयर आपको सबसे अच्छा लगता है बागले साहब तो कौन सा है वो? हेमंत, वो IDFC बैंक होगा। 75 अभी 78 का क्लोज है, मुझे नहीं लगता ये 72 के नीचे जाएगा, एक 75 के आसपास लेने की कोशिश करें। स्टॉप लॉस होगा 69 और मुझे लगता है ये स्टॉक 90 के आसपास कुछ हफ्तों में जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि 2-3 दिन का व्यू है। ये वीकली चार्ट्स काफ़ी पॉजिटिव है। लुपिन पर राय लेना चाहता हूँ, स्टॉक थोड़ा मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। मयूरेश, एक दवा अल्जाइमर की इनको अप्रूवल मिली है गोवा प्लांट से, ये खबर आई है। क्या लुपिन के लिए ये सिग्निफिकेंट है, बड़ी खबर है, और क्या इसके दम पर कोई मौका बन सकता है खरीदारी करने का? एक सेंटिमेंटली अनिल जी, आई थिंक एक पॉजिटिव अपटिक देखने मिल सकती है, बट आई थिंक नंबर्स में अभी भी स्टिकीनेस है और नंबर्स का स्टिकीनेस मेरे ख्याल से आई थिंक 1 से 2 क्वार्टर और जारी रह सकता है। टू टॉप दैट अप, आई थिंक यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू सी व्हाट काइंड ऑफ पाइपलाइन अप्रूवल्स द कंपनी गेट्स ओवर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स। तो पाइपलाइन तो काफ़ी तगड़ी है कंपनी के लिए, लेकिन कितने अप्रूवल्स आते हैं ये बहुत अहम होगा। इनके जो आई थिंक प्लांट्स पे FDA का आई थिंक एक बैन लगा था, आई थिंक उस पर भी आई थिंक क्या रेजोल्यूशन आता है, इवन दैट विल बी की, क्योंकि जितने रेमिडिएशन और रेमिडियल इश्यूज सारी फार्मा कंपनीज कर रही है, आई थिंक फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ FY17 आई थिंक बैलेंस शीट पे थोड़े इंपेयरमेंट आ सकती है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स नॉट इम्प्रूविंग। एंड सेकेंडली आई थिंक R&D एक्सपेंसेस काफ़ी हाई रहते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक मार्जिन पे भी प्रेशर बना रह सकता है। तो आई थिंक एक पॉजिटिव सेंटिमेंट अपटेक आ सकती है, बट लार्जली आई थिंक आई विल नॉट बी स्टिल बाइंग लुपिन। आई थिंक रिजल्ट्स के लिए मैं राह देखूंगा एंड देन प्रॉब्ली आई टेक अ कॉल। ये बताइए, एक सेक्टर टेलीकॉम सेक्टर, इसके चार्ट सब राकेश, आइडिया, भारती, हारकॉम कैसे लगते हैं आपको? क्योंकि अब कल से सबसे बड़ा ऑक्शन होने वाला है स्पेक्ट्रम का, और माना जा रहा है जिस तरह से ये सारी टेलीकॉम कंपनियां विवाद में है, झगड़ा हो रहा है इन सबके बीच में, सरकार को फायदा होगा, करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार जुटा सकती है इन ऑक्शन से। टेलीकॉम कंपनियां क्या और दबाव में रहेंगी, जितनी गिरावट होनी थी पिछली सीरीज में इन खबर के चलते हो चुकी है? नहीं हेमंत जी, जितनी गिरावट होनी थी वो हो नहीं चुकी है, काफी गिरावट बढ़ी है। अगर आप शुरुआत आरकॉम से करें, जहां एक तरफ निफ्टी की हम नए हाई की बात करते हैं, आरकॉम ने तो एक नया लाइफ टाइम लो लगाया है। कल टेक्निकली काफी वीक पैटर्न पर है आरकॉम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आरकॉम के लिए, किसी तरह की बॉटम फिशिंग से बचें, उछाल पे शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। आइडिया का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी खराब है, कल के सत्र में 80 रुपए के नीचे स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिखाया है। 83 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को बेचा जा सकता है 73-72 के लेवल्स के लिए। भारतीय एयरटेल में ऊपर में 330 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और शॉर्ट टर्म में 295-294 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हेमंत जी, वन मोर थिंग, अगर इस मार्केट में शॉर्टिंग करनी है जिस तरीके से मंगलवार को क्रेडिट पॉलिसी है, तो दो सेक्टर जो मुझे एक कंफर्टेबल लगता है शॉर्ट सेलिंग करने के लिए, एक टेलीकॉम है और दूसरा IT है। टेलीकॉम और IT, IT शेयर को पीटना छोड़ नहीं रहे राकेश जी। आज इंफोसिस के ऊपर वेरिएशन, 14 अक्टूबर के वैसे इसके नतीजे आने वाले हैं। नतीजे तो है ही हैं हेमंत, लेकिन पता नहीं IT शेयर कितना और गिरेंगे देखें। अच्छा, एक मजबूत शेयर इसकी बात की जाए, बेवरेजेस फॉर ए चेंज, आज मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करूँ फिर से, 1.5% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है, और कल है पहली तारीख और
काफी तीन स्टेट हैं, कहां से खबर आती है ये पता नहीं, केरल बिहार कर्नाटक, पहले केरल से आनी चाहिए, केरल से आनी चाहिए। तो देखिए हेमंत आपको इशारा कर रहे हैं, तीन स्टेट है, तीन में से कहीं से भी खबर आ सकती है। स्टॉक 1.5% मजबूत खुले ऐसे बाजार में सुबह सुबह, कुछ तो खबर आने वाली है हेमंत, इसका मतलब। तो अब इस पे पुराई दी जाए राकेश से, राकेश जी बताइए चार्ज क्या कह रहे हैं मैकडोवेल के, कहीं कोई एक्शन होगा क्या? डेफिनेटली अनिल जी, चार्ट्स यूनाइटेड ब्रिवरीज के भी पॉजिटिव हैं और यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी पॉजिटिव हैं। कल के सत्र में एक ब्रेकआउट जरूर देखा था बट मार्केट की वॉलेटिलिटी में ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए ये है कि 2275 के अराउंड स्टॉक का एक डबल बॉटम है, स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। और एक बार ये स्टॉक ऊपर में 2370 के ऊपर क्लोजिंग लेगा तो एक अच्छी रैली टूवर्ड्स 2580-2589 देखने को मिल सकती है। यूनाइटेड ब्रिवरीज का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर अनिल जी काफी पॉजिटिव है, स्टॉक 870 का एक इमीडिएट सपोर्ट है उसके पास में खड़ा हुआ है और इसमें मुझे लगता है ऊपर में 925-930 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके चलिए, तो इन दोनों शेयरों पर रखिए नजर, लिकर स्पेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया भी है। कुछ और शेयर जो खबरों में है उन पर रखिए नजर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के लिए यहाँ पर एक खबर आई है, इन्होंने एक अपना जो कारोबार है अफ्रीका में वो बेचा है, तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के स्टॉक पर रखिएगा नजर, 1% मजबूती के साथ खुलने की संकेत दे रहा है। सिंटेक्स पर रखिए नजर, अपने जो प्रीफैब कारोबार है उसका डीमर्जर कर रही है ये कंपनी, 3% मजबूती के साथ ये खुल रहा है। और मुक्ता आर्ट्स, अब तक हम आपको बता रहे थे कि ये कंपनी कोशिश कर रही थी कि अपने सिनेमा कारोबार को हाइव ऑफ करे, अलग करे, लेकिन वो जो योजना है वो इन्होंने टाल दी है। तो आज ये खराब खबर के चलते देखिए 5% नीचे खुलता हुआ। एलकेएम लैक्स के लिए तो हमने आपको खबर बताई कि यहाँ पर भी जांच होती हुई दिखी है यूएसएफडीए की तरफ से और कुछ ऑब्जर्वेशन भी आए हुए हैं। अबान ऑफशोर में भी आज तेजी देखने को मिल सकती है, 2 सब्सिडी 59% हिस्सेदारी ये कंपनी बेच रही है। तो ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में आज रहने वाले हैं। बिल्कुल ये बात सही है, और इसमें एलकेएम भी जोड़ दीजिए जो 6.5% नीचे 118 रुपये, दमन प्लांट पर यूएस एफडीए ने 483 इशू किया है, कुछ कमियां पाई है जिन्हें इन्हें सुधार करना होगा, और मुक्ता आर्ट्स में जैसा आपने बताया। लेकिन यूबी होल्डिंग 6% मजबूत दिख रहा है, 6% मजबूत यूबी होल्डिंग का स्टॉक का, वो भी देखिए प्री ओपनिंग सेशन सेटल हो गया है, तो यूनाइटेड ब्रूवीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और होल्डिंग कंपनी यूबी होल्डिंग, मैकडोवेल होल्डिंग भी देख लें, जनरली जब यूबी होल्डिंग चलता है तो उसमें भी तेजी देखने को मिलती है। शुक्रवार वाला फैक्टर भी है आज, आप देखिए सुबह सुबह से आप देखिए पिछले, वैसे इस सेक्टर ने इस हफ्ते अच्छा प्रदर्शन दिखाया, हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन दिखाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ 1.5% मैकडोवेल सुबह सुबह मजबूत है, और इस ग्रुप के सारे स्टॉक्स मैकडोवेल मतलब यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये तो ये सेक्टर आज देखने लायक है, कुछ एक्शन है। अच्छा कल का एक्शन M6 में थोड़ा ऊपर तो मजबूत खुले थे और 1400 रुपये का टारगेट हासिल भी हुआ, आज फिर से 1.5% मजबूत खुलने के संकेत आपके लिए M6 से आते हुए दिख रहे हैं। और M6 में कल कुछ मैंने बड़े ब्लॉक्स भी होते हुए देखे थे, ब्लॉक डील रिपोर्ट भी हुई, जहाँ किसने खरीदा है नोमुरा, आई थिंक नोमुरा की खरीदारी हुई है, 4 लाख शेयर 1352 रुपये में नमूना ने खरीदे हैं। डिशमैन ये एक और स्टॉक देखिए, मॉर्गन लगातार खरीद रहा है, लगातार कल तीसरा सेशन था जब मॉर्गन की तरफ से खरीदारी हुई, कल 10 लाख शेयर मॉर्गन ने 234 रुपये में खरीदे थे डिशमैन के। एक और स्टॉक HOEC हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये भी रडार पर रखिए, FIL इन्वेस्टमेंट, अभी इसका फुल फॉर्म तो मुझे पता नहीं, इतना ही आया, लेकिन मॉरिशियस का है यानी पी नोट है, और इसने 7 लाख शेयर खरीदे हैं 54 रुपये के आसपास। तो ये स्टॉक और कोटक महिंद्रा बैंक की बात तो हम हेडलाइंस में कर चुके हैं, यहाँ पर भी कुछ बड़ी FIs ने कल के ब्लॉक में खरीदारी की है। चलिए ये तो बात हो गई उन स्टॉक से जहाँ पर बड़े ट्रेड्स के दम पर एक्शन की बात हो रही है। निफ्टी 10 अंक नीचे, सेंसेक्स 20 अंक नीचे, तो करेंसी मार्केट वाला ही हाल है हमारा भी कि शुरुआत करने के बाद देखेंगे रस्साकशी करेंगे, तेजी और मंदी करने वाले दोनों ट्रेड्स, जो भारी होगा वो देखा जाएगा। तो पहले शॉर्ट कवरिंग वाले डरते हैं या फिर बेचने वाले एग्रेसिव होते हैं, इसलिए रुपया 12% मजबूत हो चुका है, ये आपके लिए संकेत। 28 अंक नीचे शुरुआत की है सेंसेक्स ने, निफ्टी 8 अंक नीचे खुलता हुआ दिख रहा है, और कमजोरी आती दिख रही है आइडिया से 2% नीचे, हिंडाल को 1% नीचे, दिग्गजों में ये दो शेयर हैं जो थोड़े कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, यस बैंक 1% नीचे, टाटा स्टील, हिंडाल को जिस शेयर में, ग्लोबल मार्केट्स की मंदी का थोड़ा सा असर मेटल शेयरों पर पड़ता हुआ। इस बीच
रिकवरी की कोशिश हो रही है। इंफोसिस 1% मजबूत है। आईशेयर मोटर्स ड्रीम रन चल रहा है 25,000 के पार, 1% की मजबूती। एचसीएल टेक में भी मजबूती, मजबूती सेंसेक्स निफ्टी में आने की कोशिश, हरे निशान में आता हुआ सेंसेक्स निफ्टी भी हरे निशान में, मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में। आइए वायदा कारोबार के शेयर बता दूं आपको कौन है कमजोर। आइडिया 2% नीचे, कर्नाटक बैंक 1.5% नीचे, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि एसकेएस माइक्रो 1.5% नीचे। बिकवाली की राय दीजिए अगले सामने, नीचे तो आना ही है। सिंटेक्स ये स्टॉक है, रिस्ट्रक्चरिंग की खबर, 5% का बड़ा उछाल, आज का टॉप गेनर। इसके अलावा जेट एयरवेज यहाँ पर मजबूती, वोखाड़ में 2.5-3% की मजबूती है। बैंक से बाहर निकलते ही वोखाड़ देखिए बड़ी तेज हो रहा है। बता दूं आपको नई सीरीज की शुरुआत है, एक भी स्टॉक वायदा कारोबार के बैंक में है नहीं है। और अहमद मैक्डोवेल 2% का बड़ा उछाल यहाँ पर आता हुआ दिखा। यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड ब्रूवरीज 2-2% दोनों ऊपर है, कुछ तो है। बिल्कुल इस पर रखिए नजर, और फिर यूनाइटेड ब्रूवरीज यूबी होल्डिंग और मैकडोवेल होल्डिंग पर भी रखिए नजर। ये पूरा का पूरा जो पैक है वो एक साथ चलता है, इन शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। NHPC आप देखिए, ये शेयर 5% मजबूत है। इन्होंने अपने जो विंड पावर है उसके लिए जैसलमेर में करार किया है, ये मजबूती के साथ इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कुछ और छोटे मझोले शेयर हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। एल्केम लैब्स में नेगेटिव एक्शन, 7.5% नीचे है। इसके अलावा आप देखिए सीमैक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, यहाँ पर खबरों का फायदा मिला है, 7% की मजबूती। डिशमैन की तो बात हमने की, ये 4% मजबूत है। लवेबल लॉन्ड्रीज के लिए कुछ खबरें मीडिया में आती हुई कि ये अपनी हिस्सेदारी कुछ प्राइवेट इक्विटी कंपनी को बेच सकते हैं। टॉप 5 स्टॉक्स में मेजेस्को शामिल था, देखिए ये 3% की तेजी दिखा रहा है। आईशर मोटर में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, मंथली सेल्स नंबर्स आएंगे देखिए कल से, और इस बार के सेल्स नंबर्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। रिकवरी लगातार हमने देखा है टू व्हीलर्स में बनती हुई, तो आईशर मोटर में तेजी होती हुई नजर आ रही है। इन्फोसिस और बाकी सारी की सारी आईटी कंपनियां इसलिए ही मजबूत हैं क्योंकि जो नंबर्स आए एक्सेंचर्स के वो अच्छे हैं। बिल्कुल, तो ये आईटी शेयर माफ कीजिएगा मजबूत होते हुए दिख रहे, लेकिन हेमंत मजबूती यहाँ नहीं है, मजबूती तो है मिड कैप इंडेक्स में। सेंचुरी मार चुका है 100 अंक ऊपर, 0.5% की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में होते हुए दिख रहे। हो भी क्यों ना, देखिए कल 1630 करोड़ की खरीदारी घरेलू फंड्स ने की है, और घरेलू फंड्स तो आप जानते हैं मिड कैप में ज़्यादा खरीदारी करते हैं। तो पहली जीत इस वक्त तेजी करने वाले ट्रेडर्स की होती हुई दिख रही। शुरुआती मिनटों में 8600 को पार किया है निफ्टी ने इस वक्त, और मिड कैप इंडेक्स की तेजी ये बता रही कि उनका पलड़ा भारी होता दिख रहा है। बस बैंक निफ्टी अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू कर जाए तो बाजार में भी तेजी देखने को मिले। बैंक निफ्टी देखिए सुस्त है, लेकिन अच्छी बात हरे निशान में है, बड़ी गिरावट नहीं है। निफ्टी भी देखिए 8600 को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ, तो जो डिप थी उसमें खरीदारी हुई है। नई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशंस और बुल्स डटे हुए हैं ये समझ में आ रहा है, जहाँ खराब खबरें हैं वहाँ तो गिरावट होना लाजमी है। आप देखिए जो आपकी स्क्रीन पर नीचे आपको दिख रहा है, लेकिन जहाँ अच्छी खबरें हैं अनिल उसको बाजार रिवॉर्ड भी कर रहा है। एक और स्टॉक है मैक्लॉयड रसल, 7% FNO में अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, तो कुछ स्टॉक्स हैं जो FNO में काफ़ी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। ओके, एक चीज जो मैं खास तौर से देख रहा हूँ हेमंत, वो ये कि कल वायदा कारोबार के बैन में 10 स्टॉक थे, और आज जो टॉप गेनर है सिंटेक्स, जेन, जेट, आरकॉम, यूनाइट, जेपी एसोसिएट, ये सारे के सारे वो शेयर हैं जो वायदा कारोबार के बैन में थे। और आप देखिए ये शेयर सबसे ज़्यादा दौड़ लगा रहे हैं, और सबसे तेज और बेहतरीन दौड़ लगाने वाला शेयर फ्री हिट। अब आज आपने मिस कर लिया होगा क्योंकि हमने आपको स्टॉक 2020 का अपडेट बताया नहीं, लेकिन हेमंत फ्री हिट चुना था आपने 6% मजबूत, वजह बता दीजिए। देखिए प्री फैब कारोबार था सिंटेक्स का, उसको अलग करने के लिए इन्होंने मंजूरी दी है, और ये बड़ी राहत की बात है सिंटेक्स जैसी कंपनी के लिए। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि ये अपने कॉम्प्लेक्स कारोबार को किस तरह से डीमर्ज करते हैं, और आप देखिए बाजार जो है पिछले कुछ दिनों से डीमर्जर और रीस्ट्रक्चरिंग की खबरों पर किस तरह से रिवॉर्ड कर रहा है मैनेजमेंट्स को। मुक्ता आर्ट्स में हमने देखा जब उन्होंने बात कही कि वो डीमर्ज करेंगे तब तेजी हुई, अब उन्होंने कहा कि वो नहीं करेंगे तो आज देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। बालाजी टेलीफिल्म्स हमने देखा, क्रॉम्पटन और क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स देखिए जब इन्होंने डीमर्ज किया तो किस तरह से वैल्यू अनलॉकिंग हुई, वही वैल्यू अनलॉकिंग दरअसल सिंटेक्स में होती हुई दिख रही है ऐसा समझ में आ रहा है। राइट्स इशू वाला हैंगओवर भी खत्म हुआ, पिछली सीरीज में जो दबाव होना था हो गया, शेयर भी आके लिस्ट हो गए सिंटेक्स में, इसीलिए आज तेजी देखने को मिल रही है। लगता है कि सिंटेक्स के लिए ये डीमर्जर बड़ा है, बड़ा है मतलब इसमें वाकई में, नहीं तो क्या जनरली क्या, एक तो क्या होता है कि डीमर्जर की खबर आई अच्छी है, मतलब डीमर्जर है मतलब शेयर बढ़ेगा, शेयर बढ़ना डीमर्जर अच्छे होने का पैमाना नहीं है, क्योंकि शेयर तो एक दिन दो दिन बढ़ के गिर जाएगा, रुक जाएगा, जो भी हो जाएगा।
लेकिन अल्टीमेटली वाकई में कंपनी के लिए बढ़िया है या नहीं, तो ये डीमर्जर ये वो आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ डीमर्जर जिस तरह का हो रहा है मुझे लगता है ये स्टॉक इंटरेस्टिंग है। तो मयूरेश से राय ली जाए इस पर। मयूरेश, क्या आपको लगता है सिंटेक्स खरीदना चाहिए? लार्जली अनिल जी, अगर हम इसके सबसेट्स देखें बिजनेस के, तो इसके जो ओवरसीज कंपोजिट बिजनेस है दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। डोमेस्टिक बिजनेस पे इसके जो यूनिट्स थे स्पेसिफिकली आई थिंक प्रीफैब और डोमेस्टिक कंपोजिट्स हैड शोन सम साइन ऑफ रिकवरी, लेकिन आई थिंक प्रीफैब बिजनेस एक ड्रैग सा बन रहा था कंसोलिडेटेड बिजनेस के ऊपर। द लार्जर टेक इज कि इसका जो टेक्सटाइल का फोरे था और जो मैनेजमेंट ने इंडिकेशन दिया था कुछ क्वार्टर्स पहले कि आई थिंक टेक्सटाइल बिजनेस में आई थिंक यू विल स्टार्ट सीइंग सम ट्रैक्शन, कहीं ना कहीं आई थिंक जो फ्री कैश फ्लोज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टेक्सटाइल कारोबार से और जनरली कंसोलिडेटेड बिजनेस है, आई थिंक दैट विल स्टिल प्रूव टू बी अ ड्रैग इन FY17। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो मेंटेनेंस केपेक्स की मैनेजमेंट बात कर रही थी फ्यू क्वार्टर्स बैक, हाउ दैट विल टेक प्लेस एंड लार्जली आई थिंक एक्सपेक्टिंग कैश फ्लोज टू स्टिल रिमेन वेरी वेरी सॉफ्ट फॉर सिंटेक्स इन Q2, Q3, Q4। तो मेरे ख्याल से आई थिंक शायद ये कंपनी का अंडर परफॉर्मेंस फाइनेंशियल टर्म्स में रह सकता है फॉर द बेटर पार्ट ऑफ दिस ईयर, बट लार्जली FY18 में नंबर्स देखने पड़ेंगे कि टेक्सटाइल कारोबार में सुधार कितना आता है एंड जनरली आई थिंक दिस डीमर्जर प्रॉब्ली विल इंक्रीमेंटली ऐड टू द अर्निंग्स। तो आई थिंक नंबर्स वापस काफी इंटरेस्टिंग होंगे एंड द मैनेजमेंट कमेंट्री देयर ऑफ। बाजार में देखिए तेज गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि बैंक निफ्टी नहीं है असल में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा, बल्कि वहां पर कमजोरी देखने को मिल रही है। 70 अंक नीचे इस समय बैंक निफ्टी, ICICI बैंक, HDFC, इंडसइंड बैंक और आज ही देखिए शामिल हुआ है DCB बैंक। और दिन ठीक नहीं है क्योंकि कमजोरी के दिन यहां पर एंट्री होती हुई नजर आ रही है। तो वो कंपनियां जो आज FNO में कारोबार की शुरुआत कर रही हैं उन पर एक बार नजर डाल लीजिए। DCB बैंक में 1% की गिरावट, टोरेंट पावर और IDFC बैंक, ये तीनों ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज FNO में शुरुआत करी है अपनी पारी की। और IDFC बैंक हमारे एक्सपर्ट को पसंद आ रहा था। चार्ट्स वाइज अगर इन तीनों में एक शेयर सबसे अच्छा लगता है बागले साहब को तो वो ये है, और ये हरे निशान के साथ बना हुआ भी है। बाजार कमजोर हो गए, मामला बराबरी का है। कल का लो लेवल 8558 वो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त, लो टेस्ट हुए और मैं भी कह रहा था कि गैप से खुल जाए तो 8600 स्टॉप लॉस होगा, लेकिन गैप से खुले नहीं, पहले 8600 को पार कर लिया, ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो ये मार्केट ऐसा ही है, ट्रेडर्स को ट्रैप करेगा दोनों ही तरफ, तेजी की तरफ भी मंदी की तरफ भी। और जो वागले साहब ये आप ही कह रहे थे ना कि ब्रेक डाउन पर शॉर्ट करने के बजाय ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें, तो वो एक पहला मौका तो मिस हो गया ना, अब वापस मिलेगा लेकिन कहां पर? एक 20-30 पॉइंट ऊपर आता है वापस आप शॉर्ट करना चालू करें, लेने की चेष्टा ना करें एज ए ट्रेडर। 20-30 पॉइंट से ज्यादा की ताकत दिखी नहीं, नहीं दिखती है एज ए ट्रेडर। 50-70 पॉइंट नहीं, मुश्किल है। ओके, आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो सुबह बाजार खुलते ही ऊपर था, अब वो धीरे धीरे देखिए गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा होती हुई दिख रही है। तो ये मजबूती के साथ खुले जरूर लेकिन टिक नहीं पाया है। कौन से वो स्टॉक्स हैं जहाँ ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है? वही शेयर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे, हम हर रोज़ बात करते थे BPL की, 20-20% के अपर सर्किट लगा के ये शेयर ऊपर गया था। आप देखिए इस साल 100% की रैली BPL में देखने को मिल चुकी है और आज BPL करीब करीब 8% नीचे ट्रेड कर रहा है। हाँ ये देखिए आ गया ये चार्ट, 8% की गिरावट। HCC ने भी इसी तरह की तेजी दिखाई थी, आप देखिए जब से वो खबर आई थी कि सरकार बकाया पैसा देना चाहती है, अब आप देखिए यहाँ पर ही गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एक स्टॉक अशोक लेलैंड, पिछली सीरीज में भी सारे ऑटो शेयर एक तरफ अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे और इस शेयर ने गिरावट दिखाई थी, और आज भी हमारे दो एक्सपर्ट कह रहे हैं संदीप वागले साहब और राकेश बंसल, यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा। राय मयूरेश आपकी भी लेना चाहता हूँ, ये बताइए बाजार को अशोक लेलैंड में कंफर्ट नहीं आ रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बेच कर चलिए, कितनी गिरावट हो सकती है और आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इसे? नहीं, बिल्कुल नरमी रह सकती है स्टॉक में, और जैसे MHCV के हम वॉल्यूम्स की बात कर रहे थे, मुझे लगता है एक से दो महीने एटलीस्ट नरमी ये नंबर्स में भी देखी जा सकती है। हालांकि आई थिंक बाय द एंड ऑफ Q2 एंड बिगिनिंग ऑफ Q3 थोड़ा रिस्पाइट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। दूसरी बात, आई थिंक जो इन्होंने मर्जर किया था हिंदुस्तान फाउंड्रीज के साथ, कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग्स पे एक इम्पैक्ट जरूर आएगा ऑन द नेगेटिव साइड एंड दैट विल बी अर्निंग्स डाइल्यूटिव। टैक्स का कंपोनेंट हालांकि आई थिंक ये क्लेम कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट टू वे टू प्रॉब्ली लुक एट नंबर्स। आई थिंक प्रॉब्ली मर्जिंग अ बिजनेस जहाँ पे कैश लॉसेस काफी हाई है एंड इट विल टेक टाइम फॉर दी सिनर्जीज टू स्टार्ट बिल्डिंग अप। तो आई थिंक ये दोनों फैक्टर्स की वजह से शायद एक कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने मिली है स्टॉक प्राइस में, और शायद नरमी रह सकती है स्टॉक प्राइस में अनलेस वी सी इंप्रूवमेंट इन अर्निंग्स कमिंग थ्रू।
सिंपल है, किसी को ट्रक खरीदना है तो एक बार स्क्रैपिंग पॉलिसी में किस तरह के इंसेंटिव्स मिल रहे हैं वो देखने के बाद ही शायद खरीदना चाहेंगे लोग, नहीं? बिल्कुल, सरकार दे रही है तो लेने में हर्ज किया है। टाइटन, राकेश जरा देखिए चार्ट्स, क्या कहीं शॉर्ट करने का मौका दिखता है? स्टॉक 1.5% नीचे दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट में 5% का मुझे इजाफा होता दिख रहा है, 4 लाख शेयर नए जुड़े, तो मंदी की पोजिशन बंद तो रही है, आपके चार्ट्स पर भी है? बिल्कुल अनिल जी हैं, और चार्ट्स पे आप देखें तो स्टॉक ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 390 के सपोर्ट के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और एक अच्छा बेहतरीन शॉर्टिंग कैंडिडेट है। और नीचे में अनिल जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप सपोर्ट देखें तो इमीडिएटली कोई सपोर्ट भी नहीं आता है स्टॉक में, 378-379 के लेवल्स मुझे लगता है देखने को मिल सकते हैं। और अनिल जी एक चीज़ और, स्टॉक की में अगर शॉर्टिंग करनी हो तो मेरे को लगता है आदित्य बिरला नूवो पे भी नज़र रखनी चाहिए। टेक्निकली चार्ट पैटर्न इतना ख़राब है कि ये स्टॉक 120 रुपीज़ 150 रुपीज़ क्रेडिट पॉलिसी से पहले गिरने का पोटेंशियल रखता है आदित्य बिरला नूवो। ऐसा क्यों लग रहा है? ये तो आज 1% मजबूत है, ये तो उल्टा 1.25% मजबूत है। हाँ राकेश, अनिल जी चार्ट पे माइनर सा पुल बैक है, टेक्निकली चार्ट पैटर्न काफी खराब है, रैली को यूज करना चाहिए स्टॉक में शॉर्टिंग करने के लिए। चलो छाल में बिकवाली करने की राय, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ देखिए लाल निशान में है। कुछ शेयरों में जहां कल गिरावट देखने को बड़ी मिली थी, वहां उछाल भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी कुछ एक्सपर्ट्स कहेंगे कि रिलायंस कम्युनिकेशन में खरीदारी नहीं करनी चाहिए, उछाल में बिकवाली करनी चाहिए, लेकिन आप देखिए अभी ये शेयर करीब 2% मजबूत है। सिंटेक्स की तो बात हमने कही, 5% की तेजी। जैन इरिगेशन, आप इसकी बात कर रहे थे 2 दिन पहले, अब ये देखिए 2% ऊपर है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इस पर रखिए नजर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, DLF, ये सब कल पिटे थे और बुरी तरह से पिटे थे, आज देखिए उछाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डेल्टा को आप रिसेशन फ्री वाला शेयर, आपने लिकर कंपनियों की बात करी, देखिए यहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है। मार्क्सन फार्मा जैसे फार्मा शेयर, सुजलॉन जैसे स्टॉक्स 1% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मिर्जा इंटरनेशनल 1% ऊपर, लिबर्टी, तो फुटवेयर कंपनियों ने भी देखिए 1% मजबूती के साथ शुरुआत करी। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह गिरावट है, कुछ कुछ सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं चुनिंदा ही सही, लेकिन ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स नीचे गया जरूर, देखिए लेकिन वापस से उछाल दिखाने की कोशिश करता हुआ 1.5% मजबूत। मजबूत तो एक ही ग्रुप में मैकडोवल होल्डिंग, यूबी होल्डिंग, यूनाइटेड स्पिरिट्स और साथ ही यूनाइटेड ब्रूरीज। चलिए दो स्टॉक मैं आपके सामने फटाफट रख दूं, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। और तब तक एक तो केनरा बैंक, जरा देखिए चार्ट साहब, वागले साहब 1.25% स्टॉक मजबूत है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है इस वक्त वायदा कारोबार में, 7.5% 6.5 लाख शेयर, तो ये स्टॉक बेहद मजबूत होता हुआ दिख रहा है बैंक्स के लिहाज से, क्योंकि बैंक्स में जहां कमजोरी वहां यहां पोजीशंस भी बन रही है, इसके आप चार्ट देखिएगा। और तब तक राकेश से मैं राय लेता हूं अमारा राजा पर, जो 1.25% मजबूत है, यहां पर भी ओपन इंटरेस्ट में 4% का इजाफा हुआ है, तो पहले आप केनरा बैंक के बारे में बताएं सर। अनिल जी व्यू पॉजिटिव है, 305-306 तक जा सकता है ये मंदी के माहौल में भी, तो शॉर्ट टर्म व्यू पॉजिटिव है। ओके, शॉर्ट टर्म पॉजिटिव। और राकेश अमारा राजा, अनिल जी काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट ये उन स्टॉकों में से एक है, चुनिंदा स्टॉकों में से, जिन्होंने कल की मंदी में अपने शॉर्ट टर्म पैटर्न को भी वायलेट नहीं करा है। स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है, 90 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है, उसको वायलेट नहीं करा है। और जिस तरीके से इसका टेक्निकल पैटर्न है, ये भी एक टेक्निकली एक डिफेंसिव बैट साबित हो सकता है, अगर नीचे में 989-990 के लेवल्स वायलेट नहीं होते हैं तो ऊपर में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए तो हमारे सभी एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। मयूरेश, गौरव, राकेश और वागले साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिडकैप इंडेक्स फिर से हरे निशान में लौटता हुआ, निफ्टी कोशिश कर रहा है हरे निशान में आने की। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे हम मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के CMD मोतीलाल ओसवाल साहब से, बन रही है हमारे साथ।